तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी अमेजोन जंगल के झाड़ियों में, जहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगे हुए हैं। जहाँ पे हमें जाना है बिल्कुल जंगल के अंदर, तो उसके लिए हमें खोजना पड़ेगा एक लकड़ी जो कि हमें पोलेट करे छोटे मोटे जानवर से। सबसे पहले हम यहाँ पर लकड़ी तोड़ेंगे। लगभग इतना बड़ा लकड़ी हमारे पास आ चुका है, तो हम जा सकते हैं जंगलों के बीच में बराबर तलवार टाइप। तो हम बिल्कुल हम जंगलों के बीच में जाएंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे पुराना, मतलब यहाँ पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करती होगी। यहाँ पे देखिए कुर्सी, मतलब एक वो टाइप है। और यहाँ पे बहुत सारा झाड़ जंगल है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको हम, ये तो मेरा तलवार ही टूट गया लगता है, यही मजबूत है, और इसी को अपना तलवार बना लेंगे। तो इसको यहाँ पे तोड़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे इसको तोड़ लिया है, इनको तलवार का साइज दे देंगे। और ये हमारा नया तलवार बन चुका है, नीम का पेड़। शिमला में आगे बढ़ते हुए तो इन सब मुश्किलों से हम लोग पार करते हुए जाएंगे आगे की ओर। यहाँ पे सांप भी छा, खतरा हो सकता है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल चुका है पेड़ जो कि जाना पचास लग रहा है, तो इसको हम आज़ाद करेंगे। तो हम फिर यहाँ पर यही सब करने आए हैं, पेड़ पौधों को आज़ाद करने। तो ये यहाँ पर हमारा, इसमें कांटे नहीं, तो इसका मतलब ये जो पेड़ है वो सिंपली जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़ या नीम का पेड़। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पे लड़ियों से आज़ाद कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगले पेड़ को आज़ाद करेंगे जो कि यहाँ पे हमारे जामुन का पेड़, सॉरी नींबू का पेड़ वहाँ पे है। तो इसलिए हमें फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा पूरा संभाल के। बीच में बहुत सारे खतरनाक मच्छर घूम रहे हैं, साथ में सांप बिच्छा भी हो सकता है, तो हमें संभाल के आगे जाना पड़ेगा। अब कुछ भी दिखे तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। हम जा रहे हैं बिल्कुल आगे, क्यों देखिए आंवला का यहाँ पे हमारा उग चुका है पौधा भी। तो हम बहुत ही नज़दीक है अपने होटल के, तो आसपास के को हम साफ कर देंगे, लेकिन ताकि कोई खतरा महसूस ना हो। तो यहाँ पे सांपों को भी देखा गया है, तो बहुत ही खतरा हो गया है, कोना सांपों को यहाँ पे बहुत बार देखा गया है। तो मैं उसे संभाल के रहना पड़ेगा, साथ उस पेड़ को यानी कि जामुन वाले पेड़ को, नींबू का पेड़ को, नींबू का पेड़ को आज़ाद करना पड़ेगा। ये कच्ची का पेड़ है, ये तो काटा है, तो कांटे को काट देते हैं। ये हमारा काटा तो हमने हटा दिया, तो आगे बढ़ेंगे सोच समझ के, यहाँ पे परवल उड़ी फरा हुआ है, तो सांपों का थोड़ा दिक्कत यहाँ पर हो सकता है, होना तो जानी बात है। क्योंकि हम फूक के कदम एक कदम बढ़ाएंगे। सिंपली हमें ये किसी का पेड़ दिख रहा है, ये भी किसी का पेड़ है, नहीं पेड़ नहीं रहा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिंपली, यहाँ पे यहाँ कुछ हलचल हुई, लेकिन यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिल रहा है। सिंपली हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिल चुका है ये किसका, ये कुछ का है क्या जी, तो सही है, जिसको हम तोड़ के हटा देंगे। ये भी कुछ का नहीं है, इधर हमें मिल चुका है ये किसका पेड़, ये भी कुछ का नहीं है, जिसको हम लोग हटा देंगे। तो सिंपली हमें मिल चुका है एक ऊँची पहाड़, जहाँ पर आराम कर सकते हैं, चारों तरफ की नज़र हम लोग रख सकते हैं। हमें मिल चुका है ये एक पहाड़, जहाँ से हम ऊपर की ओर चढ़ के आस पास की नज़रों को हम देख सकते हैं, आस पास एरिया साफ करते हैं ताकि कोई साफ इच्छा ना रहे। तो हम लोग आस पास के एरिया यहाँ पे क्या कर दिया है, साफ कर दिया, जिससे खतरा आस पास महसूस ना हो। सीधे हम लोग आ चुके यहाँ पे अपने रेस्क्यू करने नीम के पेड़ को, ऐसा देख सकते हैं लवी भी यहाँ पर उगा बहुत सारा, इनको हटाना पड़ेगा, साफ देखना पड़ेगा साफ इच्छा के लिए। यहाँ पे दो दो वाले फोनों को देखा गया फिलहाल, फिलहाल हम इनको नीचे लवी को नीचे करेंगे, हो सकता है पॉजिटिव सोचिए है कि नहीं है। वंशु का तला देखना पड़ेगा, ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये बताइए, हम लोग बोलते हैं जहरीला, ये क्या है, इसको लोग बोलते हैं जहरीला, कोई जड़ी बूटी भी हो सकता है, कोई जहर भी हो सकता है, ये जहरी एक तरह से मान के जहरीला है, नहीं ये भी छोड़ गया,
हमें उस साइड जाकर उधर का छुड़ाना पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है, तभी शरीफा उगेगा पेड़ पौधों में, जिस वजह से हमें शरीफा खाने को मिल सकता है। लाल अभी तो नहीं, ये किसका है देखो, ये तो रेडी का हट, तो ये हमने यहाँ पे साफ कर दिया है। ये लो मेरे सामने नींबू के पेड़ को साथ हमने बचा लिया, नींबू के पेड़ को क्या कर लिया है, बचा लिया है। तो इस तरह से नींबू के पेड़ और शरीफा के पेड़ की जान बच गई, किसके द्वारा, अंशु के द्वारा। इस तरह से हमने ये नींबू का पेड़, इसको सहारा देते हैं, यही जो लकड़ी हम लेके आ रहे थे इसे सहारा क्या करते हैं, दे देते हैं कि ऊपर की ओर ग्रो हो। तो हमने इसको सहारा दे दिया ऊपर की ओर ग्रो होने के लिए, ये लकड़ी की सहारा से हमने ऊपर की ओर कर दिया, कि उधर की ओर जा रहा है तो इसको ऐसे करते हैं, रुको, इसके लिए हमको इसको ऐसे करना पड़ेगा ताकि उधर की ओर ना जाए, क्योंकि उधर का चीज है झाड़ी है। तो हमने इसको इधर की ओर कर दिया शरीफा के बगल में, ताकि साथ साथ क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। इस वजह से हमारे जो हाथ में है कच्ची हो गया, देखिए यहाँ पे ये काटा नहीं काटा है, ये हो गया है फोका, उठ गया, क्या उठ गया है फोका, एकदम लाल लाल। वही किसका फोका है, ये मास्क का नहीं, ये खून का फोका है, ये पानी का फोका नहीं, किसका फोका, ये खून का फोका, क्योंकि हमें खून फील हो रहा है, खून दिख भी रहा है। चलिए काम सक्सेसफुल हो चुका है हमारा, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। दोस्तों ये हमारे हाथ में हो चुका है फोका, तो इसको हम लोग फोड़ने वाले हैं, कैसे फोड़ेंगे, ताकत लगा के। तो ये बहुत ही, ये पूरा कच्ची, ये पूरा मांस से बन के आए, ये अपने आप गायब भी होता है, लेकिन हम इसको फोड़ के कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, इंतजाम कौन करेगा इतना, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में क्या, ये दिख रहा है जी, यहाँ को दिख रहा हो, तो इसको हम लोग फोड़ने वाले हैं। अरे भाई साहब बहुत दर्द कर रहा, कोई बात नहीं, फिर से ताकत लगाएंगे। अरे भाई साहब ओ भाई दर्द तो कर रहा बहुत, दर्द तेरे के बजरंग वाली देखिए आप, देखिए बड़ा ही गाइस को साले को मांस को काट दिया, और ये खून निकल रहा है गर्मा गर्म, एकदम पानी वाला खून निकल रहा है गर्मा गर्म। ओ ओ अरे भाई क्या जल रहा है, ओहो मजा आ गया रे भाई, अरे अरे पानी निकालने के बाद तो भाई मतलब बहुत दर्द हो रहा है, तो इसको ऐसे करके चाप देंगे जैसे पानी निकल जाए, दर्द भी कम हो। तो फाइनली यहाँ पे मैंने यहाँ पे मांस काट के अपने उंगलियों से काट के मज़ा आ गया, और इसको निकाल लिया पानी को, ये मैं इसको चापूंगा ऐसा सारा, क्या दर्द करेगा रे भाई, ये देखो गायब हो गया एकदम, फूला हुआ एकदम गायब हो गया, लेकिन जल रहा है अंदर से, समझ रहे हो, जल रहा है, जल रहा है। इसको अच्छा से पूरा ऐसे हिला देगा ऐसे ऐसे, ताकि अंदर का पूरा जितना भी खून है वो निकल जाए, पानी वाला खून। ये तो यहाँ भी थोड़ा सा भींग गया, तो इसका मतलब पूरी तरह से अंदर का निकल चुका है, अब इसको थोड़ा मुंह से चूस ले ताकि जल्दी ठीक हो जाए। चूस के इसको फेंक दिया इसे, फिर इसको ऐसे ऐसे करने पड़ेगा, दर्द कम हो जाएगा, एक नहीं है ऐसे ऐसे, क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे एक बार मार दीजिए,
ताकि दर्द के आसपास जो खून एरिया है वो अपना ब्लड क्लोटिंग ना हो, आराम से निकल जाए साइड से। जला ऐसे करने में जलेगा बहुत, दर्द भी करेगा, बहुत ज़्यादा ही जलेगा, और जलेगा ही बहुत ज़्यादा ही जलेगा दोस्तों। और भाई लग रहा ऐसा कि कटा हुआ मिर्चा कोई डाल दिया ऐसा लगेगा, है कि नहीं है? तो फिलहाल कोई बात है, फिर से चूस के थूक के फेंक देंगे, इसके बाद इसमें नहीं, इसमें शर्ट में करेंगे। और भाई देखिए पूरा जलना स्टार्ट हो गया, पूरा जल रहा है एकदम कसके, लेकिन दर्द का अलग ही मजा है। दर्द होने में भाई, दर्द लेने में तो और ही मज़ा आता है। वाह क्या दर्द है, मज़ा आ गया रे भाई, कितना बढ़िया लगता है दर्द लेने में, है कि नहीं जी? ये देखो कटने के बाद खुद से फाड़ो चीरो दर्द का एहसास करो, मज़ा आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी अपने आप ठीक हो जाएगा, तो तुम लोग भी ऐसा करेगा करो, है कि नहीं जी? मज़ा आ जाएगा, डर का जीत है।